क्या है मुर्दन चल। हर एक लेडी शेरनी है जी, तू कुलचा खा ले, संध्या का नाम चल दिया। शेरनी बिच बाजार चल दी कुसे दे बापू कोला न डर। ओदे च जड़ शेरनी आई तो चुक्की थले भी सुटी सकदी है। आप लूसी भी कोई चीज चंडा मारियां 10 मारियां एक सिलेक्ट हुई तो उस थप्पड़ वैसे डर नहीं लगा? और मैंने सुना कि मेन मार्केट में थप्पड़ पड़ रहे थे आगे की चापलूसी की काम भी कोई चीज होती है। चैटर बॉक्स, यह चैटर बॉक्स मस्ती का बॉक्स करता है रॉक्स, यह चैटर बॉक्स द चैटर बॉक्स बस करूं ना। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बोलता शिवमित सिंह। जैसा कि आपको पता है जम्मू में आजकल एक खुली शेरनी घूम रही है। तो गाइस वो शेरनी कौन है? उसने जम्मू में तहलका मचाया हुआ है। बड़े सारे चूहे बिल्ले का शिकार कर रही है। तो अभी हम उनकी टीम हमारे साथ आई है तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार शिवम। सर इरफान चौधरी इनका नाम है, मैं ही बता देता हूँ, यही नाम है आपका? जी यही है। इरफान चौधरी साहब, आपने मार्केट में एक तहलका मचा दिया कि शेरनी क्या शेरनी? शेरनी हम लोगों का नया सॉन्ग है जो आज ही रिलीज हुआ है। अच्छा। तो वही है शेरनी, वही है शेरनी, वही शेर। तो उसमें शाजी भाई का, शाजी भाई आप इनके साथ कैसे? ये पहले भी इनके साथ काम किया मैंने। अच्छा। बड़े प्यारे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर, कमाल के डायरेक्टर हैं, कमाल के। हाँ। ये इतनी मतलब इतनी तारीफ क्यों? नहीं वो इसलिए डायरेक्टर हैं तो फिर, और मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो चापलूसी भी तो कोई चीज़ होती है। चापलूसी। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ शाजी भाई, यार आपकी बीवी आपके साथ हैं तो आपने बीच में यहाँ बुज्जा सीमेंट की दीवार क्यों खड़ी कर दी है? नहीं वो भी बस इसीलिए, इसलिए चापलूसी भी कोई चीज है। चापलूसी भी कोई चीज है तो भाई चापलूसी की जा रही है। तो भाभी जी ये चापलूसी कर रहे हैं घर जाके, फिर मरम्मत कुछ होगी इनकी? नहीं घर पे भी ऐसे ही होते हैं सेम ही। मैं ही दुखी होती हूँ कि तू बाहर ही जा भाई, तू जा। यार शादी में क्या है, होने वाली है तुम्हारी भी जल्दी, फिर मुझसे ये सवाल पूछ ही नहीं पाओगे कि क्या है ये, क्योंकि मुझे पता होगा। तो इरफान भाई शेरनी कहाँ है हमारी? अब शेरनी कहाँ हो सकती है, कुटरी होगी किसी को कहीं पे, कहीं पे वो देखो। अरे अरे ए, इधर क्या चल रहा है भाई? ओ क्या है मुर्दा चल 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 चल। मैडम नमस्ते, जादूगर मैडम इधर आइए टीम कने। मैं बापू कोला ना डरदी, मैं ते फेर चलानी आ। जय डुगर जय मां डोगरी। तुसे अपने आर्टिस्ट के ड्राइव दे बंदे दूर दूर जा रहे हैं सर, अपनी जगह बनानी पौंदी है समाज विच, ते सारे डोगरी डोगरी की समाज इक वूमेन की आखना चाहनी है, कोई तुसे जगह दे नहीं दे मगर अपने आप की कुसे कोला घट नहीं समझो, समझो जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह तो बनाओ। तो उसे ड्राइडे शादी भाई, शादी भाई कंबिए गया चक्कर के, वो शेरनी आई ना वे सारे डरी गंदे ना शेरनी वाला। नहीं 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 इसको पता है ना ये प्रोड्यूसर है, इसने मेरे को आगे चापलूसी काम की कोई चीज होती है। आहो मैं गल समझी, पहले चापलूसी ओ दी करा था, हुन मैडम दी ये करा था। मैडम दी ये करा कि आगे भी काम मिलेगा, काम मिले। तो मैम संध्या मैम तुम भी थोड़ा सुनागे कि किया सॉन्ग शुरू होया, कि सिस्टम को जर्नी सुनागे दी? हाँ जर्नी तो बहुत लंबी होती है, बहुत निकी सुनाओ कोई। हाँ जर्नी निकी है कि शेरनी टू जड़ा है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हा, और ये कि कामयाब बनाने वास्ते साढ़े आर के टी जी राइटर जिन्हें लिखा गाना बहुत बेहतरीन लिखे दा है, डोगरा समाज की अवेयर करने वास्ते साढ़े एन बी नरेश माफिया जड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें म्यूजिक बहुत बिंदास बनाया था, और साढ़े इरफान चौधरी जी जिन्हें ये चीज़ स्टोरी की संध्या जी हम गाने को ऐसे करते हैं, हमने समाज को कुछ लेसन देना है, जो भी जिंदा सारे की इन्हें किरदार जिंदा, बेशक पैसा मेरा लगता है लेकिन पब्लिसिटी सारी होंगी सुखी सुखी सारे की। हम तो लाई सकते हो कि भाई चाहे वो म्यूजिक आले की पैसा देना है सारा, भाई आखिर चक्की च पसौंदा सिर्फ आर्टिस्ट है, लेकिन सुखा सारा चल देना। टीम एफर देखो, टीम एफर है तो मैं सारे की सपोर्ट करा दी ना, इन्हें की कोई किसी चीज़ का नहीं, इन्हें मेरी हेल्प की तो आए, मैं भी अज प्रेस क्लब गाना करी आई तो समझी सकते कि इन्हें मुश्किल बारी है, सारे बखरी बखरी तितर बितर हो क्या मतलब था इसका? मैं बोल नहीं सकता क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज, चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है आज के बाद। अच्छा सदे साहब ये भी सुना के तो आई है डायरेक्टर का काम करता वो गो, कोई टिकी नहीं है ते कोल गुआ का काम किया करे, ते उन आखा दा उन किन्नी उम्र होई दी भरावा?
डायरेक्टर की सपोर्ट करूंगा कि ये बात है कि अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए, मसा ट्रायल पे चल रहे हैं, पैदा होना बाकी है क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है। गाने ना कुछ चापलूसी तो नहीं है, सारा टीम वर्क बहुत अच्छा है और इरफान जी बहुत अच्छे जी थोड़े चैनल के माध्यम कने एक हंसी मजाक है आखिर कुटी कुटी रोना आसान भाई खुश हो सारे खुश रहो सारा मेन सारा एक लोके की आसान है खुश रहो आपे भी खुश रहो सानू और इरफान जी का बहुत अच्छा काम है दूसरा काम नहीं करते भाई डायरेक्शन देंगे ना। संदीप मैम जी जी हैं और भी हैं विक्रांत भी है एज ए मॉडल ले आना तुसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। की चीज दिखी है तुसें सोचा कि साडे ने पहली बार मेरे कने गाना किया और ये बहुत अच्छा मॉडल है जागरण विच भी बोड़ी माता रानी की बड़ी कृपा है कि अद्धी अद्धी राते अपने शोज वगैरह करने चाहे वह मॉडलिंग हो चाहे भक्ति हो और बावजूद मैं इसी फोन किया सिंगल टाइम भी इन्हें मी एक ना नहीं किया संध्या दीदी मैं आ जाऊँगा और इनका बड़ा अच्छा रोल हा ये दसदा कि कॉलेज बार मुड़े कुड़ियों की छेड़ा दे जो इन्हें काम किया विक्रांत ने साड़ा मेरा बच्चा है सुमित थापा इन्हें भी रोल किया तो इसी चंडा मारियाँ दस मारियाँ एक सिलेक्ट हुई जबकि मैं डरा दी ही मैं चैनल बड़े चैनल से इंटरव्यूज दिते भाई एक चंड अपने जागत नहीं खाते खाते जागत एक बार मारे यार मम्मा क्या कर रहे हो साबित क्या करना चाहते हो तो भाई इसी दस मारियाँ तो एक सिलेक्ट हुई तो समझी सकते हो कि एक आर्टिस्ट वास्ते कोऑपरेट किया जिन्ना भी टीम वर्क साढ़ा है चाहे वह साजी साजी जी होन या माही जी होन या साढ़े विक्रांत जी होन ऐश होर बहुत टीम वर्क सारे बड़ा कोऑपरेट किया यह मैं तुसें सुनाई नहीं सकती कि साढ़ा एक बहुत अच्छा एक गाना बहुत एक ट्रैक यूट्यूब चैनल संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुगर च आई एदा शेरनी टू और कई बार तो आखते हैं कि शेरनी हमने बनाया नहीं मैं शेरनी आ क्योंकि हर वेले सीरियस बोली बोली ना तो मैं शेरनी हूँ भाई मेकअप वाला बोलता है मैंने आपको बनाया मैं क्या है भाई मैं हूँ भाई आई एम द बेस्ट ठीक है ना तो थोड़ा थोड़ा हंसते रहना चाहिए तो बस और तुस कुछ कितनी अच्छी इन्नी टीम है संध्या मैम की टीम तो अस इंदे विक्रांत हुंदे कन्नै भी गल करने विक्रांत भाई क्या हाल चाल बढ़िया एकदम आप सुनाओ यार लंबे बड़े हाइट अच्छी है भाइयों की भी अच्छी है तो मेरी भी तो जब इनके साथ काम कर रहे थे जब मैं इन्होंने अभी एक किस्सा सुनाया थप्पड़ वाला तो उस थप्पड़ वैसे डर नहीं लगा और मैंने सुना कि मेन मार्केट में थप्पड़ पड़ रहे थे आपको नहीं डोगरी गल करो बड़ा अच्छा मेन डोगरी बड़ी ज्यादा मेन मार्केट झंडा चला दी ही तो कई डर नहीं लगे नहीं डर डूर नहीं कख भी लग्या बड़ा मतलब प्यार इं बच्चे लेखा प्यार करते हैं बड़ा इंदा मिगी वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती ना इं पूरा कि विक्रांत कोई टेंशन नहीं है तो मतलब बच्चे लेखा रखा मैं अपने कन्नै शूट च ते कोई नहीं मैं इक्को गल है कि मैं देखो जब तक ना पूरा क्लीयर नहीं ना आगो एक्ट ते अद तक तुस मारदे जाओ झंडा छोड़दे चलो सट्टी जाओ कोई ना कोई एक जेड़ा निकलग ते ओहदे विच निशान भी पेदा है संध्या मैं झंडा दा या गर्लफ्रेंड दे झंडा नहीं ओ झंड तो किन्नी देर होई शूट होए ते हुण रिलीज होया गाना महीने डेढ़ महीने पहले शूट होया ही ते ओह जिल्ले झंड झुंड मारी ते फिर कुरे जाइए जेड़ा कैमरे की एक सीन लभ्या ते दिता मैं सीन क्योंकि देखो मैं एक आर्टिस्ट हाँ मैं यही सोचा कि यार मैं चंड कहली खां मैं कहली खां चंड कि मैं पहले भी गाने किए थे ऐसा कुछ नहीं है आर्टिस्ट वास्ते कोई भी काम हो वे, वो करो अगर करगे तो अगे बढ़ गए अगर नहीं करगे आकड़े करके मैं नहीं करना ये नहीं करना तो फिर उत्थे के रोना उत्थे के रोंदा बंदा अगे नहीं जाता अच्छा लगे काम मैं बड़ा अच्छा लगे पूरी टीम बड़ी अच्छी है पूरी टीम बड़ी अच्छी तो बहुत सारे इसी तो ज्यादा पैसे दिते बड़ी तारीफ खराब होती टीम दी नहीं ये डिजर्व भी करते हैं तारीफ ना सच्ची तारीफ देखो पैसा तो तुम कमाई सकते हो ना इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है ना कई बार लोग आते मैडम आपके गाने में आना है लोगों ने फोन किया कि मैम नहीं मैंने बोला आप उनके बारे में पता लगवाओ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या हूँ अस काम करा दें अपनी नीयत करने बाकी नहीं तारीफ तुस दुदाले चौधरी भी आ गए उन्हें भी पूरी करनी मेरी क्योंकि आज 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 आपको सदा मांगी तारीफ नहीं करनी बेइज्जती करनी करो आप नहीं 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 बेइज्जती वाली कोई बात नहीं तो प्रोड्यूसर जो होता है ना वो अनदाद मर्जी कोशिश करें ये नहीं कर सकते हैं चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है आज का हिट डायलॉग है नहीं 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 देखो एक्चुअली अगला गाना हमारा ट्रैक पे है चापलूसी मैं इसी बड़ा चला ग्रां च ठेले नहीं घा घू पे दें ज्यादा शेर नहीं आई तो चुकी थले भी सुटी सकती है चापलूसी ना दी कोई चीज होती है नहीं प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर अन्नदाता होती हैं तो बहुत सारे लोगों का घर चलता है बहुत सारे आर्टिस्टों को काम मिलता है डायरेक्टर भाड़े का टट्टू है उसने अपना काम कर लिया भाई ठीक है उसने अपना काम किया नहीं अच्छा लगा काम करके एक्सपीरियंस कैसा था नहीं एक्सपीरियंस अच्छा था मैं थोड़ा हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हटके काम करूँ बिकॉज अभी बात डोगरी क्योंकि डोगरी कल्चर है तो हम लोग अपने कल्चर की तरफ जाके ज़्यादा हम पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ हैं हमारी लिमिटेड ऑडियंस है डोगरी की तो इसलिए थोड़ा सोचा था कि इसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए और साथ में शेरनी को अलग तरीके से दिखाया जाए जिसके थ्रू
वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम करें, स्टोरीज और इश्यूज सोसाइटी के कुछ ऐसे डाले गए जिससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी हो। तो वो फाइनल हुआ और इन्होंने हरी झंडी दिखाई तो शूट किया, अच्छा लगा सबके साथ काम करके। नोड के क्योंकि पहले नोट हरी झंडी गई, नोट करारे गए करते कितने भाई जी पे गए, मगर आइए उन्हें तसल्ली हुई भाई ये बंदा पैसे देने वाला है। कई बार लोग होंगे मारा पैसे बाद देने भाई जल्द कम हो गया अस पैसे एडवांस दे जी। तू कुलचा खा ला संध्या का ना चलता लोग बैल मारे मैडम को मैडम हूं तो सुनाया कि वर्क लाइक ए कूली एंड लिव लाइक ए प्रिंस कार तुस आगे तो मैं भांडे पोचे मांजने नहीं लभना बिल्कुल सारे डायलॉग सारे डैडी मम्मी टारगेट होता समझाने का। सो गाइस शेरनी टू जो इनका गाना है हुआ, पहले हम गाने के दो लाइन या दो वर्ड अल्फाज क्या आखदे सी दो गाने मैं तुसे स्थाई अंतर सुनाई दूं। अखियां च अपने करंट रख दी चोरू ए दे कटिए वरंट रख दी टॉप कन्ने पाई है मैं पेंट रख दी चौबी घंटे लाई है मैं सेंट रख दी हो मन मर्जी दी मालक हां मैं क्या रकमानी आ शेरनी बिच बाजारे चलदी कुसे दे बापू कोला ना डरदी मैं ते फेर चलानी आ जम्मू दे विच बंद करने जड़ चल दे काले तंदे जो भी राक्षस बनी फिर देने ओ बनाने बंदे हो कईये दे गल पट्टा पाई सार करानिया शेरनी बिच बाजारे चल दी कुसे दे बापू कोला न डरदी मैं ते फेर चलानिया। जय डुगर जय मां डोगरी। क्या बात है, ताड़िया तुस के मारो पहले ताड़िया दी। तो गाइस ये और ये बड़ा अच्छा लगा इधर। तो ये हाँ संध्या वर्णा का इंटरव्यू जो शाम को आपको आ जाएगा, ये वीडियो आई दी है? हाँ वीडियो आई दी 12 बजे साड़ा गाना यूट्यूब चैनल संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुगर तुसे गाना देखी सकते हो। और आखदे आखनी दे हाँ कि लाइक शेयर कमेंट दी नहीं जरूरत है लेकिन वाकई जरूरत होंगी है, वो मैं सिर्फ अपने आप की तलाशा दी नहीं क्योंकि पता डोगरा प्रमोट नहीं करता, इस करिए अपने के पॉजिटिव है कि संध्या कोई गल नहीं यू आर द बेस्ट तो प्लीज़ आप कमेंट लाइक शेयर जरूर करना ताकि मैं आगे भी एक शेरनी 3 लेके आऊँ और उसमें मैं बिंदास आपको दिखो और सारी डोगरी जनानी की अवेयर करना कि टैलेंट हर इंसान दे बीच है और ये मत सोचो कि आई एम द शेरनी, हर एक लेडी शेरनी है जो घर में बैठी है, आपकी माँ हो चाहे बहन हो, जेले एक जनानी एक बच्चे की जन्मदिन दे जस्ट लाइक ए शेरनी और हर एक औरत शेरनी है चाहे वो ये हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, कोई मुझे बुरा मत समझे कि संध्या ही शेरनी, नहीं यू आर द शेरनी यार, आप आगे बढ़ो मैं तुम्हारे कन्ने आ तो आगे बढ़ो संध्या मैडम तुम्हें करने हैं और इधर ही हम इंटरव्यू का एंड करते हैं और बाकी वीडियो के लिए देखते रहिए क्या। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।